श्वेता जी, आप तो अपनी गाड़ी में आई है ना, तो टैक्सी की क्या जरूरत? मतलब ये कि हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जाएंगी तो आप अपने घर। महाराज जी, सारा सामान अंदर रख दीजिए। देखो रिमझिम, मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और कानून के आदेश को ना मानना सजा को बुलावा देना है। अभी तो मैं पोलाइटली बात कर रही हूँ, मुझे फोर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर मत करो। द पुलिस में टेक सम एक्शन, ओके? हमें कानून का पाठ पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। हमें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, ना आप, ना आपके आनंद सक्सेना और ना ही अविनाश। हमारे पास स्टे ऑर्डर है। बाबूजी, जो इंसान जो भाषा समझता है उसे उसी भाषा में समझाया जाता है। ये कानून से कोई ऑर्डर लाए हैं ना, हमारे पास भी स्टे ऑर्डर है। श्वेता जी, हमारे पास जो स्टे ऑर्डर है आप वो चेक कर सकती हैं। वकील साहब, क्या बात है वकील साहब? श्वेता जी, ये सही कह रही हैं, हमें इस वक्त यहाँ से जाना होगा। मगर हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? ये घर खरीदा है हमने और हमारे पेपर्स क्या झूठे हैं? मगर श्वेता जी, हम कोर्ट के आदेश को इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए श्वेता जी, कोर्ट के अगले आदेश आने तक हम मेरा मतलब आप इस घर में शिफ्ट नहीं हो सकती और ना ही भवानी शंकर को आप यहाँ से निकाल सकती हैं। आई एम सॉरी, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। सुनिए श्वेता जी, अगर अब भी कोई डाउट्स बाकी हैं तो पूछ लीजिए, वरना यहाँ से चुपचाप चली जाइए। वरना हमारे घर में जबरदस्ती घुसने के इल्जाम में हम पुलिस बुला सकते हैं। बस मैं जा रही हूँ, मगर तुम्हें ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वापस आऊंगी और फिर तुम्हें ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। और हाँ, तब तक एक एडवाइस है, अपने लिए रहने का कोई और इंतजाम कर लो। क्यों किया तुमने ऐसा? जब मैंने ये घर छोड़ने का फैसला कर लिया था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या मेरे फैसले पर भरोसा नहीं था? अगर नहीं था तो मुझसे बात की होती? मुझ पर एतबार नहीं था तुझे? बाबूजी, हम आपका अपमान नहीं करना चाहते थे, हम तो सिर्फ इस घर को बचाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ बेटा, तुझे मेरी भावनाओं की कदर है, लेकिन तू होली को कब तक टाल सकेगी? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। इसमें नाइंसाफी वाली तो कोई बात है नहीं रंजन, गलती हमसे हुई है, भुगतना भी हमें ही पड़ेगा। हमसे कोई गलती नहीं हुई है बाबूजी, हमारे साथ धोखा हुआ है। मोहनलाल जी ने झूठ बोला है, उनके झूठ की वजह से हमारा घर नीलाम हो रहा है। बाबूजी, अगर आज हम लोगों ने कोशिश नहीं तो फिर इस घर को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये बाबूजी, सुख शांति सदन महज घर है, हम सबकी पहचान है, हम सबके अस्तित्व का प्रतीक है। हमें तो ये घर नहीं, हमारे परिवार का एक सदस्य लगता है। बाबूजी, हम सबकी भावनाएं जुड़ी हैं इस घर से, खास तौर पर आपकी। और बाबूजी, आप क्यों डरते हैं? हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, वरना कोर्ट हमें स्टे ऑर्डर क्यों देता?
बाबूजी हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, प्लीज हमें लड़ने दीजिए, प्लीज हमें कोशिश करने दीजिए हमारा हक मिलने के लिए, हमारा सुख शांति सदन हमें वापस मिले, इसलिए प्लीज बाबूजी। उसने मेरी इंसल्ट की, मेरी समझती क्या है अपने आप को? और आप क्या कर रहे थे वहां पर? मैडम उनके पास एसपी ऑर्डर था। बस सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं, यू शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड। श्वेता क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? मैं सुख शांति सदन गई, ये वकील साहब और इंस्पेक्टर साहब दोनों को साथ लेकर, मगर जानते हो वहां क्या हुआ? वो रिमझिम, रिमझिम नाम की वो औरत, वो एसपी ऑर्डर लेकर आ गई। और क्या क्या हुआ वहां पे? मुझे इस बात का दुख नहीं है कि वहां मेरी इंसल्ट हो, दुख तो मुझे इस बात का है कि उन लोगों ने तुम्हारी इंसल्ट की है। अनंत, I just want to see those people out of that house. That's it. मिस्टर अडवाणी अभी इसी वक्त मेरे घर पहुंचे हैं। घर से नहीं निकलेंगे तो धक्के मार के उस घर से बाहर निकाल दूंगा, घर से तो बाहर निकाल के रहूंगा। रिमझिम कावेरी और यशोदा अभी तक नहीं आए। बुआ जी भाभी का फोन आया था, वो डिस्पेंसरी से सीधे कावेरी भाभी के मम्मी के घर गए हैं। यशोदा भाभी तो रात में आ जाएंगी, कावेरी भाभी कुछ दिन रुकेंगी वहां पर। अच्छा, यशोदा भाभी राकेश भैया के बारे में पूछ रही थी। भैया आ गए। बड़ी देर लगा दी बेटा। वो जी कुछ जरूरी काम था, शहर से बाहर जाना पड़ा। अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम नहीं जानते तुम्हारे जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ। क्या बात है बुआ जी, क्या हुआ? रिमझिम क्या बात है? कुछ नहीं भैया, वो श्वेता आए थे अपने वकील को लेकर घर खाली करवाने। लेकिन हमारे पास स्टे ऑर्डर तो है ना, जिसके मुताबिक हम कुछ वक्त और रुक सकते हैं। हाँ लेकिन भैया रुकने के लिए तैयार नहीं थे, हम बस निकल ही रहे थे कि रिमझिम कुछ और दिनों की मोहलत लेके आ गई। इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने फोन तक नहीं किया। किया था बेटा, लेकिन तुम्हारा फोन ऑफ था, फिर हमने सोचा तुम अपने काम में बिजी होंगे, कहाँ तुम्हें डिस्टर्ब करें। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे मालूम होता तो मैं जरूर आता। एनीवे मैं बाबूजी से मिलता हूँ। भैया हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। यशोदा कहाँ है? यशोदा भाभी कावेरी भाभी के साथ उनकी माँ के घर गए हैं, भाभी तो आज रात को लौट आएंगी, कावेरी भाभी कुछ दिन और ठहरेंगी वहाँ। हाँ भोनी बस अभी पहुंचाऊ, अभी इमीजिएटली। अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। वो जी ऑफिस से फोन था, मुझे जल्दी वापस जाना पड़ेगा। बेटा तुम अभी तो आए हो। हाँ लेकिन बहुत अर्जेंट काम है, मैं चलता हूँ।
तो ये है मेरा पूरा केस मिस्टर अडवाणी। मुझे सुख शांति सदन जल्द से जल्द खाली चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आपको वो स्टे ऑर्डर रद्द करवाना होगा, हर हाल में, हर हाल में आपको वो स्टे ऑर्डर रद्द करवाना होगा। और जितनी भी आपकी फीस है उससे दुगने पैसे मैं आपको दूंगा। बट आई नीड रिजल्ट्स फास्ट। मिस्टर आनंद, मैं आपका केस अच्छी तरह से समझ गया हूं। आपने वो बंगला कोर्ट की देखरेख में नीलामी में खरीदा है, और जहां तक रही स्टे ऑर्डर के रद्द होने की बात, उसे तो मैं यूं रद्द करवा दूंगा। उसके बाद आप जब चाहें अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। थैंक यू। बाबूजी। अरे राकेश आ गए बेटा। बाबूजी अभी आया और अभी मुझे वापस जाना पड़ेगा, कुछ अर्जेंट कॉल आ गया ऑफिस से। बाबूजी कैसे कहूँ मैं, घर का इस वक्त जो माहौल है, जो परेशानियां हैं, और जो सब मेरी ही क्रिएट की हुई हैं, ऐसे में मुझे अपना वक्त देना चाहिए जो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। बाबूजी मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ, प्लीज मेरा। ऐसा मत कहो, तुम्हें बिल्कुल गिल्टी नहीं महसूस करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि इस परिवार को संभालने की तुम कितनी ज्यादा कोशिश कर रहे हो। बाबूजी। हाँ भैया, ऐसी कोई बात नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है? आपकी नई नई जॉब लगी है, दूसरों से ज्यादा काम करेंगे तभी तो अपनी पोजिशन हासिल कर पाएंगे, और आप ये सब हमारे घर के लिए तो कर रहे हैं। भैया प्लीज आप गिल्टी फील मत कीजिए। जाओ बेटा जाओ, काम करो। जी बाबूजी। नमस्ते। मेरा नाम अडवाणी है, मैं अपने क्लाइंट आनंद सक्सेना की ओर से आया। जी कहिए। कोर्ट के इस ऑर्डर में ये लिखा है कि बंगला मेरे क्लाइंट मिस्टर आनंद सक्सेना ने नीलामी में खरीदा है, और वो भी कोर्ट की निगरानी में। सो स्वतः ही मेरे क्लाइंट मिस्टर आनंद सक्सेना का हक मालिकाना हो जाता है इस बंगले का, और इस हक से वो जब चाहे इस घर में शिफ्ट कर सकते हैं और जब चाहे आपको घर से बाहर निकाल सकते हैं। आपका उनके साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है, आपका डिस्प्यूट है मनी लेंडर मोहनलाल के साथ, और कोर्ट से जो आप स्टे ऑर्डर लाए उसका मेरे क्लाइंट आनंद सक्सेना से कोई लेना देना नहीं। वैसे आप ये सब जानते हैं कि मेरे क्लाइंट आनंद सक्सेना ने नीलामी की रकम कोर्ट में जमा करवाई थी, आप चाहे तो पेपर देख सकते। क्या बात है बाबूजी? कोर्ट का ऑर्डर है, हमें ये घर अभी खाली करना है। देखिए मिस्टर अडवाणी, हम यहाँ कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत ही रह रहे हैं, और इस बात से हमें कतई इनकार नहीं है कि ये बंगला मिस्टर आनंद सक्सेना ने खरीदा है, हम इसे खाली कर देंगे। बाबूजी, आज हम भी मजिस्ट्रेट साहब के पास गए। ये लीजिए वकील साहब, ये मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स हैं कि हमें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता।
हेलो मिस्टर आनंद सक्सेना, एक प्रॉब्लम आ गई है, आप प्लीज अंदर आ जाइए।